कल कंचनजंगा रेल हादसा हुआ तो वह निर्मल ज्योत गांव के पास हुआ था। बकरीद मनाने की तैयारी में थे यहां के लोग, लेकिन धमाके की आवाज सुनते ही बकरीद भूलकर सब दौड़ पड़े यात्रियों की जान बचाने। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, गांव वालों ने खुद सब कुछ बताया है। किसी ने कहा है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। कल यानी के 17 जून को बकरीद का त्योहार था। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का एक गांव है निर्मल ज्योत। मुस्लिमों की अच्छी आबादी है यहां। बकरीद का त्योहार था तो गांव वाले सुबह से त्योहार की तैयारी में लगे थे। अचानक गांव वालों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में भागे तो देखा कि एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से जबरदस्त टकरा गई है। मालगाड़ी पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन में घुस गई थी। गांव वाले त्योहार को भूल गए। पुलिस और राहत दल का इंतजार नहीं किया, बस लग गए मदद में, लोगों को बचाने में, अस्पताल पहुंचाने में, घर ले जाने में। निर्मल ज्योत गांव के रहने वाले 32 साल के मोहम्मद मोमिरुल गांव के लोगों के साथ सुबह की नमाज अदा करके लौटे ही थे कि ट्रेनों के टकराने की आवाज उन्हें सुनाई दी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी स्वीटी कुमारी को मोमिरुल बताते कि मैं नमाज पढ़कर लौटा ही था। घर में सभी लोग जश्न मनाने के मूड में थे, तभी अचानक हमें तेज आवाज सुनाई दी। मैं अपने घर के पास रेलवे ट्रैक की ओर भागा और पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे देखे। मैंने मालगाड़ी के लोको पायलट को यात्री ट्रेन के पहिए के नीचे पड़ा देखा। मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी मौत हो चुकी थी। मोमिरुल ने आगे बताया कि उनके गांव के 150 से ज्यादा लोगों ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि सभी ईद का जश्न भूलकर यात्रियों को बचाने और घायलों की देखभाल करने के लिए दौड़ पड़े। एम्बुलेंस तब तक आई नहीं थी तो गांव में जिसके पास जो वाहन था वो उससे घायल यात्रियों को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। जो यात्री ठीक थे उन्हें गांव वाले अपने घर में आराम करने के लिए ले गए। निर्मल ज्योत गांव के ही मोहम्मद नजरुल ने कहा कि जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो 6 लोगों के शव उन्हें मिले और उन्होंने लगभग 35 लोगों को बचाया। निर्मल ज्योत गांव की ही तस्लीमा खातून ने बताया कि वो त्योहार मनाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी ट्रेन हादसे की खबर आती है। तस्लीमा आगे कहती है कि मैं तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर गई। एक बुजुर्ग महिला जो कि घायल मिली वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने उन्हें पानी दिया, उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद उनके रिश्तेदार सिलीगुड़ी से आए और उन्हें वापस ले गए। आपको बताते चले कि सोमवार यानी कि कल 17 जून को सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह जा रही थी, तभी सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी उससे टकरा गई। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ था। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के कई बोगियां पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 9-10 लोगों की मौत भी हुई है और 40 लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से निर्मल ज्योत गांव के लोगों ने अपना त्योहार भूलकर हादसे में घायल हुए लोगों की मदद की है, उसको लेकर एक सैल्यूट तो उनके लिए भी बनता है जिन्होंने इस हादसे को सीरियस लिया और राहत दल या पुलिस का या एम्बुलेंस का इंतजार न करके बल्कि उनके पास जो भी खुद के पास इंतजाम थे उनके तहत लोगों को बचाने की कोशिश की। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।